मुझे ये ट्री बहुत पसंद है। ये देखिए जी, ज़ारा से ज़ारा ने शॉपिंग की है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, ज़ारा तुमने ज़ारा से अपनी शॉपिंग की, ज़ारा ने ज़ारा से शॉपिंग की। तुमने शॉपिंग नहीं कराई यार, कर ली थी उनको, वो करनी नहीं थी उनको, कढ़ाई वाले जूते चाहिए। वो मैं कौन से वाले, कढ़ाई वाले अस्मा जी, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ये चेक करें। एक बहुत ही मजे की चीज हम खाने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का बेस्ट स्नैक है। ये यहाँ का बहुत ही मजे का स्नैक है, भुट्टा, द भुट्टा एंड द कॉर्न बॉइल्ड एंड चेस्टनट्स। सिर्फ गरम हो तो अच्छे होते, क्या गरम हो तो मजा आता है। ये कैसी है बॉइल्ड वाली, बहुत गरम है। अजान जो है मेरा ख्याल है डेली के 10 मेरे ख्याल खाता है डोनर, वो डोनर लेने गया, उसको पता है कहाँ है, पता नहीं। और अजान एक और डोनर ले आया बेटा, शाबाश। मैंने वो हो रही है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अलीजे ले लो अपनी। और हम कहाँ आए हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह टर्की में, जहाँ अलीजे ने और फैसल ने कहा था मस्त जाना है। फैसल से पूछते हैं कौन सी जगह है। ये है ओल्ड इस्तांबुल, जहाँ पर हम आए हैं सुल्तान अहमद स्क्वायर। यहाँ पर है आया सोफिया, आया सोफिया और क्या है? पीछे आ रही है गाड़ी और इसके साथ है ब्लू मॉल। आया सोफिया कहाँ है? है क्या इससे कहीं गाड़ी निकल जाए तो बताएं। पैलेस है, आए देखते। ब्लू मॉल सब बहुत पसंद करते हैं, बहुत खूबसूरत है, आज हम भी देखेंगे और बड़ा मजा आएगा। जितने लोग आते थे ना उनको इसके साथ बांध के उनकी बलि चढ़ाते थे यहाँ पर। क्या यहाँ मारते थे, बलि चढ़ाते थे, क्या मतलब किसको, कौन चढ़ाता था? इसको बताएं लीजे को क्या कह रहे हैं ये। कॉलम ऑफ कॉन्स्टेंटाइन 10th AD, 10th सेंचुरी के ये है बनी हुई। रेडी पिक्चर पोज, फैसल आप भी नजर नहीं आ रहे, क्या भी नजर नहीं आ रहा। अजान इधर आओ, अजान की योर फॉर्मेशन इज हियर फॉर्म। मुझे इस ट्री के प्लीज आगे खड़े होकर फोटो लेनी है, जो मर्जी हो। ये मुझे इतना प्यारा लग रहा है ट्री, मैं कब से कह रही हूँ, जब से आई हूँ है ना, प्लीज आप गवाह हो। ये देखिए मैं टर्न करके आपको ट्री दिखाती हूँ, इतना खूबसूरत है ये। मुझे इसके आगे देखिए कितनी प्यारी वीडियो आ रही है यहाँ इस ट्री के साथ, मुझे ये ट्री बहुत पसंद आई। कैमरा लूंगा ना तो हम आगे चलेंगे, अदरवाइज ये नहीं चलने वाला। ये वो जगह है जहाँ पे मैंने लोग देखे। इधर आए पहली तो पाई हाँ, इस्तांबुल में है और जा रहे हैं ब्लू मॉल देखने। अगर आप इस स्पीड से चलते रहे तो रात तक पहुँच जाएंगे आप। ये भी सही है, मुझे स्कार्फ चाहिए क्योंकि अंदर मॉस में जाने नहीं दे रहे विदाउट अ स्कार्फ। तो एक तो ये है, तो ये कलर ब्लू मॉस के बाहर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है और बगैर स्कार्फ के अंदर नहीं जाने दे रहे। तो मैंने स्कार्फ खरीदा है अलीजे के लिए अभी 20 लीरा का, और अब अलीजे अंदर जा सकती है तो आई विल गिव इट टू हर। Behind me is the famous Blue Mosque. क्या नहीं खाना मामा को दे दो।
नहीं 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 और क्यान में और फैसल हम कहाँ हैं? हम आया सोफिया की तरफ जा रहे हैं आज। क्या क्या खाने हैं आपने? नदी आपकी प्यारी जगह ले आए हैं। नादिया व्हाट हैपेंड? यू टेल मी किनू व्हाट हैपेंड? फैसल बाबा व्हाट हैपेंड? क्या आस्क फैसल बाबा व्हाट नादिया व्हाट हैपेंड? नादिया नथिंग शी इज परफेक्टली फाइन शी इज फाइन शी इज फाइन ओके क्या ऑर्डर दे रहा है? क्या व्हाट शुड वी ऑर्डर? ये कौन सा वाला? ये एक अजीब बात है। हम टर्की में आए हुए हैं और मैंने सोचा था मुझे बहुत सारी अच्छी टर्किश डिलाइट्स नहीं टर्किश चॉकलेट्स मिलेंगी नहीं टर्किश क्या ज्वेलरी। फैसल क्या आप क्या देख रहे हैं? एक होता है औरत का गहना और एक ये है मर्द का गहना। ओए होए होए ओए होए बेबी पीछे कचरा भी जो पड़ा है ना बहुत ही गंदा लग रहा है। वाह 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 रोल्स रॉयस के साथ खिंचवाते हैं ये क्या इसमें खास बात है? हर वक्त यहीं पाक होती है। अब बड़ी बेइज्जती होने वाली है हमारी। ये कौन सी बाइक है? यामाहा की है। He likes it so much. Every time I see, I just see. माशाल्लाह। टर्किश भाई, अर्तुगरुल, गुंदुगलू, और क्या नाम है उसमें? डोगाज। यार ये सुन ही नहीं रहा कोई नाम नहीं इसका। मैं चाह रही थी आपको सैर करवा देना एक बार। अच्छा मैं ये बता रही थी कि मुझे कहीं ज्वेलरी नज़र नहीं आई। टर्किश ज्वेलरी का टर्की में यहाँ इस्तांबुल में नामो निशान नहीं है। टैक्सम पे इस्तकलाल स्ट्रीट पे एक भी मुझे ज्वेलरी की दुकान नहीं मिली। दांत ठीक करा सकते हैं फेसलिफ्ट की बहुत दुकानें उटपटांग दुकानें भी हैं कुछ लेकिन मुझे ज्वेलरी की कोई शॉप नहीं मिली। मनी चेंजर ओ हो डिस्को कितना खुले हैं ये चेक करें। क्या हुआ? हाँ मैं कहती थी कि कहीं ज्वेलरी नहीं है यार। यार यहाँ पर कोई ज्वेलरी नहीं पहनता मतलब ज्वेलरी से ज्यादा तो नाक बनाने वाले डॉक्टर्स की दुकानें यहाँ मौजूद हैं। कोई ज्वेलरी नहीं पहनता यार। पता नहीं टर्किश ज्वेलरी कितने टर्किश ज्वेलरी। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर सबने किसे कपड़े पहने कपड़े बहुत आम हैं बड़े आम से कपड़े ब्लैक जैकेट ब्लैक पजामा और हमने शॉपिंग की है जॉगर्स बेसिक कपड़े। स्ट्रीट्स पे ऐसे कैफेज बने हुए हैं गलाटा सनात क्या मतलब गलाटा सनात। अच्छा ये कबाब बर्गर डोनर खा के ना फिर देसी खाना याद आता है और मैंने देखा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में देसी खाने की ना बड़ी मज़े की वेरिएशन होती है। बटर चिकन बड़ी मज़े की होती है बिरयानी बहुत मज़े की होती है तो हम आपको इस रेस्टोरेंट का इसकी बिरयानी दिखाते हैं कि विच इज़ वेरी डिफरेंट। मैंने इसकी बटर चिकन खाई मुझे बहुत मज़े की लगी। आप स्पाइसी खाएंगे मैं स्पाइसी नहीं खाऊंगा। ज़्यादा फ्री ना हो खुद आकर कोई नहीं रोकेगा पहले जैसे बड़ा रोक है और आप रुक गए। क्या हो गया? ये अभी खड़ा हो जाए बहुत खड़े हो सकते हैं आप जहाँ भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं ना रश लग जाएगा रश खड़े हो सकती हैं क्या? आप बताएं आपको कितना केजी चाहिए वजन? बहुत ज़्यादा बिरयानी नहीं खा चिकन टिक्का टर्किश पाकिस्तानी स्टाइल
मजे की ब्यूटीफुल नान विद माय फेवरेट बटर चिकन। ये क्या हम लोग खा रहे हैं? चलो क्या क्या बहुत तंग करते हैं खाना खाने में। नहीं नहीं आप देख सकते चुप जाए बोलना। डू यू हैव योगर्ट रायता? समझ रही हो? दे गिव यू अ बैग और यू वांट अ बैग? इट्स बैग और गिफ्ट है। गिफ्ट है खाना भी चुप। नो नान देखिए कितने मजे के सॉफ्ट और ये दूध से बनेगा। इसको बनाते हैं दूध मैंने इस्तेमाल किया ना। अच्छा ये किससे होता है? वरना आजकल जो हम पाकिस्तान में नान खा रहे हैं कराची में स्पेशली घर आते हैं रबड़ तो उसको ऐसे करके तोड़ना पड़ता है। रायता 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 कौन रायता लीजिए। आपको बटर चिकन मजे की लगी लास्ट नाइट इन इस्तांबुल टर्की गोइंग बैक टुमारो। तो अभी देसी खाना खा लिया क्योंकि बहुत डिफरेंट था मज़े का था। और अब अजान अलीज़े बहुत फैशनेबल ट्रिप था हमारा। सारे मैंने वो आउटफिट्स पहने जो मैं कभी नहीं पहन सकती थी बिकॉज कराची का मौसम मैच नहीं करता। वैसे नहीं तो फिर हम जा रहे हैं कल। और अब सबसे पहले हाँ जी सफोरा गए थे हम। मुझे लगा ही नहीं कि मम्मा है सफोरा में। थॉट आई वाज विद अ स्ट्रेंजर बिकॉज मम्मा जब सफोरा से निकलती हैं कम से कम मिनिमम 3-4 बैग्स होते हैं और उस दफा एक और वो भी मेन चीज़ तो मेरी थी ना। आज ये क्या हो मामा बदल के बेटा गया। लेकिन वो एक्स्ट्रा 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 लार्ज बैग था। पहले मैं ट्यूटोरियल्स के लिए बहुत बहुत मेकअप लेती थी। थैंक यू बाय बाय। वो सब मैं गिर गई। फॉल डाउन यस क्या टेक आ लेट हिम टेक अ बाइट। अजान दे दो उसको क्या ना कैरमेल पिस्ताशियो। आई कैन आई टेस्ट पिस्ताशियो। पैसे इसको थोड़ी सी डाल देना कप में। कैन आई हैव दिस कप वन? थैंक यू। व्हिच वन? क्लियरली मुझे इस यूट्यूब काम पे बहुत काम करना है अपने स्किल्स पे क्योंकि अभी मैंने किया और वीडियो बंद हो गई व्हिच इज ग्रेट। सो मॉम व्हाट आर यू डूइंग? क्या खा रहे हैं आप? उसको कभी शे आ पता नहीं कब ये बिल्कुल मेरे मतलब पॉजिटिविटी के साथ उड़ गया। कम यहाँ ना मैं नहीं गिर जाएगी। मैंने अपनी छोटी सी ब्लॉग बना ली। यहाँ की राइटिंग है देखो लाइक आई लुक लाइक आई हैव लिपस्टिक ऑन व्हेन आई डोंट। और यहाँ की देखी कितनी दिख रही है ए इंस्टेंट फिल्टर। ये है कैरमल आइसक्रीम जो फैसल बाबा ने बुलाया। आई नीड इट आई नीड इट आई नीड इट। एक ना मुझे नहीं पसंद है जीब रबड़। हम आपको नहीं पसंद है जीब रबड़? बिल्कुल टर्किश आइसक्रीम। आई डोंट लाइक इट बिकॉज़ इट्स रबड़। आई लव इट बिकॉज़ इट्स लाइक रबड़। उससे वो बहुत मजे की टेस्ट आती है। इट्स लाइक आई लव इट एक्चुअली। आई लाइक टर्किश आइसक्रीम बहुत ज़्यादा। मैंने दो खाई हैं लेकिन मुझे सिर्फ वनीला पसंद है। चॉकलेट भी पसंद है लेकिन वनीला ज़्यादा पसंद है। चॉकलेट इज़ नाइस बट वनीला से पता नहीं वो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आई थिंक दैट वनीला
tastes like no other vanilla जो आजकल ब्रांड। अच्छा जो मैंने फील की कुछ बातें, हार्ट और किस ज्वेलरी मुझे नजर नहीं आई। यहाँ हर तीसरी औरत ने नाक का ऑपरेशन कराया हुआ है, हर दूसरे आदमी ने अपना सर का ऑपरेशन कराया हुआ है, हेयर ट्रांसप्लांट। आई थिंक ऑल ओवर यूरोप से लोग यहाँ आते हैं। एक बात ये है कि यहाँ प्रॉब्ली बेटर एंड चीपर। हाँ, जेनेटिकली यहाँ लोगों के बाल बहुत कम है। हाँ, मैंने कहा ना पहले अपनी वीडियो में, इससे यहाँ के बाल ये जो यहाँ जितनी पेडेस्ट्रियन एरियाज हैं, इस पे गाड़ियाँ अचानक कहाँ से आ जाती हैं? पुलिस की, मैनेजमेंट की। अच्छा एक चीज यहाँ मिल रही है, रोड पे रिगार्ड नहीं है। ये सुबह मैं बताऊंगा तफसील से। हाँ, अभी हम आपको इसकी सिर्फ ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट टर्की का ट्रिप, ट्रैवल, वीजा, वो मेरी बातें कल व्हाट टू एक्सपेक्ट, व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट, सारा कुछ बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। सब्सक्राइब करें टू आउटस्टाइल, कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारे ये टर्की के ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। शॉपिंग की है बताओ, फूड, फूड, फूड एंड फूड। हाँ, अजान का सिर्फ, और अजान ने यहाँ भी जो है ना सिर्फ बिरयानी खाई और डोनर खाया, और वो भी एक जगह का, इसको डोनर पसंद आया है। अजान चीज, मेल्टेड चीज, ड्राई एसिड। अब हम वापस जा रहे हैं, तो जाने से पहले मैंने कहा कि क्यों ना इस ट्रिप को हम समराइज कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी वैक्सीनेशन। आपकी वैक्सीनेशन हुई होनी चाहिए, आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड होना चाहिए फिजिकली, या आपके मोबाइल फोन पे भी हो तो फिर भी काम चलेगा। टिकट्स आप देखें, अगर तो आप टर्किश एयरलाइन से आ रहे हैं तो स्ट्रेट फ्लाइट मैं प्रेफर करता हूँ कि डायरेक्ट फ्लाइट हो, और ताकि आपको कहीं ट्रांसफर ना करना पड़े। इनकेस अगर आपको ट्रांसफर करना भी पड़ रहा है तो कभी एक घंटे का ट्रांसफर मत लीजिएगा प्लीज, कम से कम दो से ढाई घंटे का ट्रांसफर होना चाहिए, ताकि आपको एयरपोर्ट से अगर आपको पता भी है और नहीं भी पता तो कम से कम मार्जिन होना चाहिए, भागम दौड़ कम होनी चाहिए। देखिए, वीजा दो तरह से आपको मिलते हैं। एक वीजा मिलता है थ्रू अनातोलिया, जो कि इनकी एक वीजा सर्विस है जो कि कराची में है, हमने वहां से भी अवेल किया। तो वहां के लिए आप अप्लाई करें, बट इस चीज को जहन में रखिएगा कि एटलीस्ट 14 वर्किंग डेज आपके पास होने चाहिए, जिसमें अगर तो वो आपके पास चीजें ले लेते हैं, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट्स होंगी, इसमें आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी चेकलिस्ट है, वो आप उनसे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ट्रेवल एजेंट आपको गाइड कर देंगे। इनकेस आपके पास शेंगेन वीजा है, यूएस वीजा है, यूके का वीजा है, तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक इसकी प्राइस अराउंड $65 है, जिसमें आपको वीजा मिल सकता है। जब आप पाकिस्तान से आप बैठेंगे तो एक मैं आपसे एक लिंक शेयर करूंगा, उस पे जाके अपने डाटा फिल कीजिएगा। ये आपको जो बोर्डिंग पासेस जहाँ से आपको मिलते हैं वो भी आपको गाइड करेंगे। अगर आप टर्की जा रहे हैं तो वो मेडिकल फॉर्म जरूरी है, जिसके साथ एक बार कोड आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जहां कहीं भी जाएंगे किसी मॉल के अंदर, वो आपसे आपके वैक्सीनेशन पूछेंगे और वो कार्ड का बार कोड स्कैन करेंगे और आपको जाने देंगे। अगर आप फैमिली हैं तो दो देख के आपको जाने देते हैं, लेकिन उसका होना बहुत जरूरी है। यह कि यहाँ पर ट्रॉलीज बिल्कुल फ्री नहीं है, अपने पास छोटी डिनोमिनेशन में कुछ करेंसी लाइएगा, जिस तरह 5 लीरा 10 लीरा या कॉइन्स की सूरत में आप जरूर लेके आइएगा। गाड़ी येलो कैब कभी मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि वो उनके मीटर्स पे भी मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है। बेहतर है कि अगर आप ऑनलाइन पहले से बुक करा के गाड़ी आ जाए तो आपको अच्छी एयरपोर्ट ट्रांसफर अगर मिल जाए, लेकिन येलो कैब आप लेके जाएंगे बहुत ही एक ठग किस्म के लोग होते हैं, और वो आपको देखते हैं कि आप टूरिस्ट हैं तो हर किस्म की कोशिश करेंगे। उनके सामने एक टिप आपको जरूर दूंगा, कभी अपना वॉलेट खोलिएगा मत, क्योंकि एक दफ़ा एक बंदे ने मेरा वॉलेट देखा और उसने जब देखा कि इसके पास कुछ करेंसी है उसने गाड़ी चला दी, तो दरवाज़ा हालांकि खुला भी था। आपके पास जो वैल्यूएबल्स होंगी, आप एक स्लिंग बैग ले लें या क्रॉस बॉडी बैग ले लें, वो सामने होना चाहिए, आपके फ्रंट में होना चाहिए। यहाँ पर तो मैंने तो फ्रंट पे बैग यूज़ किया था, जिसमें आपके पास तमाम चीज़ें हों, आपको आसानी रहे, ताकि आप वहीं से निकालें, क्योंकि यहाँ पर हमारे जानने वालों का
मगिंग भी हुई है, उनके फोन्स भी चोरी हुए हैं, करेंसी भी चोरी हुई है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस्तांबुल बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जनरली मैं आपको बताऊं, एक नया इस्तांबुल है, एक पुराना है। नया यूरोप में है, पुराना एशियन साइड पे है। अगर तो आप कैफेज इंजॉय करना चाहते हैं और बाहर बैठ के वॉक करना चाहते हैं, तंग तंग गलियों का मजा लेना चाहते हैं, तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग ओल्ड सिटी में रहें जहाँ पर प्राइसेस कंपैरेटिवली कम है। लेकिन वो आपके अपने ट्रिप पे डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। तो आपको भी पैलेस देखना है, आपने आया सोफिया देखना है, ब्लू मॉस देखनी है, अगर आपने इन चीज़ों को इस चीज़ को देखना है तो आप ओल्ड साइड पे रहें। अगर आपने न्यू लाइफ देखनी है, कोई नाइट लाइफ अगर आप देखना चाहते हैं ज़्यादा यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, तो आप टैक्सिम जो कि यूरोपियन साइड पे है वहाँ पर आप ठहरिए। हमने प्लान किया था कि हम ठहरेंगे टैक्सिम में। टैक्सिम की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी खूबसूरत स्ट्रीट है, जिस तरह लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, और एक शॉपिंग स्ट्रीट है, इस्तकलाल स्ट्रीट है, वो बिल्कुल यहाँ पर टैक्सिम स्क्वायर के साथ है। अच्छी बात यह है कि चीज़ें बारगेनिंग करनी पड़ती है, और जो एस्टैब्लिश स्टोर्स हैं वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, और लेकिन बारगेनिंग की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है उन स्टोर्स पे जो नॉन ब्रांडेड स्टोर्स हैं, उनसे आप बात करेंगे। लेट्स सपोज अगर कोई 500 लीरा की चीज़ है तो एक्चुअल प्राइस की 350 होगी, तो घुमा फिरा के आप उसको 400 पे ला सकते हैं। वैसे कि टर्की इज़ वेरी चीप, वेरी इनएक्सपेंसिव, क्वालिटी बहुत अच्छी है, चीज़ें बहुत सस्ती हैं, तो आप जब वहाँ पर जाएँ तो यहाँ पर आप खुल के शॉपिंग कर सकते हैं। और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने सामान को वापस भी लाना है, तो ज़्यादा अगर आप सामान लाना चाहते हैं तो कम सामान लेके जाएं यहाँ से। खाने की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत मौजूद हैं जहाँ पर आपको देसी खाना मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप टर्किश कुजीन एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके अंदर डोनर्स हैं, शवरमाज हैं जिनको हम कहते हैं, बाकी इंटरनेशनल चेन के तमाम किस्म के रेस्टोरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाएं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंजॉय करने वाली चीज़ है वो यहाँ की मिठाई है, यहाँ की चाय है, यहाँ का कुनाफा है, वो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा यहाँ पर चलते हुए। एक जूता लाएं, जॉगर्स लाएं, बाकी यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि आपने चलना है। जब आप चलेंगे यहाँ पर तो उस वक्त आप थक जाएंगे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पाँव को सुकून में होना चाहिए। कपड़े सिंपल लाइएगा यहाँ पर, जीन्स जैकेट्स, और जिस तरह मैंने ये बताया मेरी ब्लैक फेवरेट ब्लैक टी शर्ट है, मैं यही पहन के यहाँ पर फिरता रहा हूँ, जॉगर्स हैं मेरे पास। ये एक टूरिस्ट मोड होता है जिसके अंदर कोई आपको नहीं देख रहा है यहाँ पर, और आप मज़े से एक बैकपैक ज़रूर पहनिएगा साथ। मैंने जिससे कहा कि अगर आप बाहर घूम रहे हैं तो आपके पास फ्रंट जो है क्रॉस बॉडी बैग होना चाहिए। एयरपोर्ट पे बहुत चलना पड़ता है, बच्चों को उठाना चलना ठीक नहीं है, तो छोटी एक ट्रैवलिंग प्रैम होती है उसका साथ बच्चों के लिए ख्याल रखिएगा। बच्चों के लिए टोपियाँ ज़रूर साथ लाइएगा अगर आप इस मौसम में आना चाह रहे हैं या इसके बाद आना चाह रहे हैं। जहाँ तक टर्किश करेंसी की बात है, ये यहाँ पर लाने के लिए मैं प्रेफर करूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डॉलर्स ले आएँ या यूरो ले आएँ, बड़े आराम से आसानी से एक्सचेंज हो जाते हैं। टैक्सिम स्क्वायर पे बहुत अच्छे एक्सचेंजेस हैं, पैसों की गिनती में कोई किसी किस्म की गफलत मत बरतिएगा, देखते रहिएगा कि आपको सही करेंसी सही नोट मिल रहा है। इनकेस उसके साथ छोटी स्लिप देते हैं उसको रखिएगा, अगर आप ये समझें कि करेंसी ठीक नहीं है तो आप उनके पास वापस जा सकते हैं, और उस रसीद के बगैर वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। जब आप शॉपिंग करते हैं एज अ टूरिस्ट, तो आपको ये एक ऑप्शन दी जाती है कि आप क्या टैक्स फ्री शॉपिंग करना चाहते हैं, टैक्स रिक्लेम करना चाहते हैं। तो कैश काउंटर पर चले जाएं तो कैशियर को बताइएगा कि आपने टैक्स फ्री रसीद लेनी है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, आपके पासपोर्ट की कॉपी लेंगे जो कि आपके मोबाइल फ़ोन पर मौजूद होगी, और वो आप उसको दिखाएंगे, और उससे वो उसका डाटा लेके आपको एक टैक्स फ्री की एक अलग रसीद दे देंगे, वो आप रख लें, और वापसी पे जाते हुए आप जब अभी हम देखेंगे कि हम कैसे इसको टैक्स को रिक्लेम कर सकते हैं जी। और एयरपोर्ट जाके पता चला कि जिस चीज़ पे आपने टैक्स क्लेम करना है उसको आपने साथ लेके आना है। हमने सामान बुक करा दिया था इसलिए हम कोई चीज़ शो नहीं कर सके, इसलिए हमें टैक्स में मिला 0 अंडा नथिंग मनी बैक। टर्की सस्ता है, शॉपिंग वाली जगह है, मैं सजेस्ट करूँगा अपनी फैमिली के साथ आइए, मौसम बहुत ज़बरदस्त है, लोग बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन आपको ज़बान नहीं समझ आती। प्रेफरेबली अगर कोई ऐप हो अपने पास मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करके लाइएगा जिसमें आप बोलें और वो टर्किश में आपको बता दें। एज ए पेडेस्ट्रियन आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, कोई कर्टेसी नहीं है, अगर रोड पे ट्रैफिक आ रही है, अगर रोड आपने क्रॉस करनी है तो प्लीज़ लेफ्ट राइट जरूर देखिएगा, कोई आपके लिए रुकेगा नहीं। आप इनकी चाय पीते रहिएगा, इनके फ्रूट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, फ्रूट्स खाते रहें यहाँ पर, और पानी, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, पानी की इनटेक ज़रूर रखिएगा। अगर आप कुछ और मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा या आस्क
outstyle@gmail.com पे हमें ईमेल करें और मैं नादिया मिलके उसका कोई अच्छा सा जवाब आपको ढूंढ के देंगे। खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज। एंड वी वुड रियली लाइक टू थैंक अब्दुल्ला भाई जिनको मैं अपने मॉर्निंग शो पे मिली, मुझे बहुत अच्छे लगे। उन्होंने हमारी फैमिली के लिए बहुत अच्छा टूर ऑर्गेनाइज कराया और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आपने टर्की या कहीं और भी जाना हो तो आप अब्दुल्ला भाई से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें एंड ही विल गिव यू द बेस्ट डील्स एंड द बेस्ट सर्विस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई की डिटेल्स आई एम लीविंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।